नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन होने वाला है हिंदी विषय पर। यहाँ पे हमने जो है हिंदी के पिछले वर्षों में UPSSC में आए हुए प्रश्न पत्रों को शामिल किया है, जो कि आगामी UPSSC की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इस प्रश्न पत्र को देखने से आपको अनुमान लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रश्न या किस टाइप के प्रश्न अक्सर आते हैं या UPSSC का लेवल क्या है। वो अपनी क्वेश्चन पेपर को सेट करते समय किस टाइप से और किस हिसाब से पेपर को सेट करता है, तो यहाँ पे हम इसी विषय पर थोड़ा सा देखेंगे। एक ओवरव्यू मिलेगा आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो बस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले बस आपको करना क्या है कि अपने इस चैनल को ज्ञानपुर को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है और हाँ, लाइक भी कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी का सेट है, ये हिंदी डिस्कस करेंगे हम सभी, है ना। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे होने वाला है आपका, भाग एक हिंदी है ये। तो चलिए, निर्देश क्या कह रहा है, लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है यहाँ पे। तो क्या है मुहावरा दिया हुआ है यहाँ पे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस मुहावरे का सही भावार्थ हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका सही शब्दार्थ क्या होगा, यानी इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है। तो कृष, सबसे पहली बात तो आपको कृष का अर्थ पता होना चाहिए। कृष का अर्थ होगा कमजोर, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष, कृष का विपरीत हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा हाँ, अल्पज्ञ। यहाँ पे अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, तो अल्पज्ञ का हो जाएगा विलोम सर्वज्ञ, है ना, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस पे चंद्रबिंदी लगेगी, खूंटियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ बताना है, क्या है वो, अज अजन्मा, अज से अजन्मा, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज अजन्मा का अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ हो जाएगा ईश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे आपको वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द का चुनाव करना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, प्रतिनिधि नहीं होगा, प्रतिनिधि भी नहीं होगा, या फिर ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ वाक्यों में त्रुटियाँ हैं और त्रुटि वाले वाक्य को चुनना है, यानी कि यहाँ पे जिस वाक्य में त्रुटि है आपको चुनना है। चलिए वाक्यों की ओर बढ़ते हैं, पहला है ऑप्शन, यहाँ पे देखते हैं वाक्य हमारा क्या दिया हुआ है, विद्यालय में जलपान को, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जलपान को दिया हुआ है, यहाँ पे को नहीं का होना चाहिए, यहाँ पे का होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे जलपान को, इसी में त्रुटि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलपान को नहीं होगा, यहाँ पे का होगा, तो बी वाले भाग में बिल्कुल भी एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आपको त्रुटि बताना होगा, तो अच्छी लगती है नहीं, अच्छा लगता है होना चाहिए ना, तो
मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि होगी, अच्छी लगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे आप सभी को तत्सम शब्द बताना है ना। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आज, ये तो तत्व लग रहा है, आँख, ये भी नहीं होगा, अग्र, आग। तो यहाँ पे अग्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्र जो है तत्सम होगा। आग का अग्नि तत्सम होता है, आ का अच्छी होता है, आज का है ना, तो इस टाइप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न इसमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, यानी एक शब्द का चुनाव करना है। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा उपात्यय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपात्यय का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही एक शब्द बताना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, है ना। कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे कृपण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पे जो भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इस यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डॉट डॉट को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान? तो अपने मित्र को भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मित्र का विपरीत यानी शत्रु, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शत्रु। यानी उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुँचा सकता। तो यहाँ पे शत्रु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी रिक्त स्थान भरना है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। क्या क्या कैसे रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए, है ना, उद्धत। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद का है ना, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बिल्कुल इजी सा है, ये तो कमल का है ना, कमल का पर्यायवाची है अरविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है, यानी निर्धन में संधि पूछ रहा है। तो निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी? निः प्लस धन, यानी निः आ रहा है ना, क्या हो रहा है? निः, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको यहाँ पे तद्भव शब्द को बताना है। तो यहाँ पे आपका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अमी हो जाएगा। इसका तत्सम अमी का होता है अमृत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, हाँ ये है, इसमें क्या करना है, 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। दो प्रश्न आने वाले हैं, पहला यहाँ पे 20 दिया हुआ है, नेक्स्ट 21 आएगा, तो पहले 20 वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो कह रहा है कि हमें इसमें से सही वाक्य का चुनाव करना है। तो सही वाक्य पहले हम पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ए है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर हैं। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल, और ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषी हैं। आगे देखते हैं, तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको वही करेक्ट ऑप्शन बताना है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है।
जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें भी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यहाँ पे आपको कौन सा भूतकालिक भेद है ये बताना। मैं खाना खा चुका था यानी भूत में भूतकाल की बात कर रहा है और क्रिया कैसी है, पूर्ण हो चुकी है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण भूत, क्योंकि भूतकाल में खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे भूत काल होगा। और कैसा काल होगा? पूर्ण भूत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यानी यहाँ पे आपको सेवक को इसमें आपको कारक चिन्ह बताना है। तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान को संबंध का किरारी अधिकरण में पय पर संबोधन है वो वही वाला जो है इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो संप्रदान के लिए को यानी प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग है ना, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है इसमें। तो ठठेरा का लिंग परिवर्तन यानी ठठेरा कैसा शब्द है, एक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बस आपसे यही एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हमें बताइए कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए जिससे हम लोग आप सभी के लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें। और यहाँ पे जो भी सीरीज़ चलेंगी बिल्कुल फ्री होंगी, आप लोग इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, और है ना। तो बस तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।